बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम रिजवान खान, वेलकम टू रिजवान एकेडमी। गाइस, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है विड आईक्यू पे, ठीक है। जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको तो पता है कि विड आईक्यू क्या है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और जो न्यू है, उनको बताता चलूँ, ये वीडियो की आपकी जो वीडियो है उनकी एसईओ के लिए यूज़ होता है। अब एसईओ क्या है, एसईओ का मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ मैं एक सर्च में एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे विड आईक्यू लिखता हूँ, ठीक है, जो इसका रिज़ल्ट आता है, नीचे वीडियोस आती हैं, जो पहले नंबर पे हैं, सही है, फर्स्ट पेज पे हैं, तो उनकी एसईओ अच्छी होती है, मतलब कि उनमें अच्छे कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं, उनके टाइटल में, उनके डिस्क्रिप्शन में, उनके टैग्स में, तो इस वजह से वो वीडियो रैंक हो जाती है और फर्स्ट पेज पर आ जाती है। तो फर्स्ट पेज पे आने का मतलब ये है कि आपके, अगर आपकी वीडियो फर्स्ट पेज पे आती है, तो लोग आपको ज़्यादा, आपकी वीडियो को ज़्यादा वॉच करेंगे और आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और आपकी वीडियो रैंक होगी, ठीक है। हम जब विड आईक्यू को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इसका हमें सबसे पहले एक बेसिक वर्जन मिलता है, ठीक है, जो कि फ्री होता है, जो आपके आप फ्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लिमिट तक ऑप्शन होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करते हो, तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है, आपकी वीडियो रैंक करने के लिए बहुत बेस्ट है प्रो वर्जन, ठीक है। तो प्रो वर्जन की मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है और हम इसको फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्राइस तो इसकी बहुत हाई है, जो कि न्यू यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो इसको जो है वो नहीं कर सकते अफोर्ड, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको फ्री में यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप इसका पेड वर्जन फ्री में यूज़ कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक कर दें, ताकि हर मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, ये है इसकी वेबसाइट। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ लॉगिन पे, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लॉगिन आप अपना जो है वो अपने जीमेल पे भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास जीमेल आईडी है, तो आप उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ से जो है वो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, सही है, मैं अपने एक और जीमेल में करता हूँ इसको लॉगिन, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जो कि फ्री आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये आप फ्री यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, लेकिन वो भी कुछ लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं आप फ्री में। तो यहाँ एसईओ का है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त मेरे पास फ्री है, तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। जब मैं इसका पेड वर्जन यूज़ करूँगा, तो ये सारे ऑप्शन जो लॉक हैं, वो जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे अपग्रेड पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आप इनकी प्राइस देख सकते हैं, जो कि बहुत हाई है। इसका जो प्रो है वर्जन, उसका जो है वो $10 पर मंथ है, और इसका बूस्ट जो है पैकेज, वो है $49 पर मंथ है, ठीक है। और इसका बूस्ट प्लस जो पैकेज है, ठीक है, जिसमें आप 5 चैनल जो है वो कर सकते हैं, उनकी एसईओ कर सकते हैं। तो अगर बूस्ट में जाएंगे, तो इसमें एक ही चैनल होगा, तो यहाँ मुझे एक ही चैनल करना है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपग्रेड पे जाएंगे, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, हैव ए प्रोमो कोड,
यहाँ पे आपने करना है OSI, ठीक है। यहाँ पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जी ये जो $49 आपको दिखाई दे रहा था ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि 100% डिस्काउंट आपको इस पर मिल चुका है। अब इसका नेक्स्ट आपने इस तरह करना है, यहाँ पे वीज़ा कार्ड पे जाना है, वीज़ा मास्टर कार्ड पे जाना है आपने। तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इंटरनेट से भी उठा सकते हैं कोई रैंडम सा नाम वगैरह। जैसे ये मैंने एक फेक एड्रेस जनरेटर के नाम से वेबसाइट है तो यहाँ से मैं एक नाम उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सेकंड पे क्या है जी एड्रेस है इनका, एड्रेस इनका ये मैं उठा लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ ये सिटी मांग रहा है, सिटी यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ये। और यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ आप कार्ड नंबर मांग रहा है, एक वेबसाइट है, आपको कार्ड नंबर, आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रैंडम सा क्रेडिट कार्ड जो है वो नंबर यहाँ इंटर कर सकते हैं। एक वेबसाइट है नमसोजिन के नाम से, एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 549458, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने नीचे क्लिक करना है जनरेट पे, तो ये कुछ नंबर्स आ जाएंगे रिज़ल्ट में, तो ये आपने फर्स्ट वाला नंबर कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। और फिर हम सेकंड जो है वो इसकी डेट कॉपी करेंगे, डेट कॉपी यहाँ पे आपने करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसका ईयर कॉपी करना है, ये रहा ईयर, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब हमने सीएनसी नंबर जो है वो कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये सब आपने जो है वो डिटेल डालने के बाद नीचे एक पे का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। पे के आप पे पे क्लिक करेंगे तो देखें ये आपका जो है वो अपडेटिंग योर अकाउंट, ठीक है, आपने कुछ टाइम वेट करना है। ओके, ये देखें योर VDIQ अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड, मतलब कि आपका जो वो अकाउंट है वो अपडेट हो चुका है। ये देखें हमारे पास जो SCU का ऑप्शन था, पहले लॉक था, वो अनलॉक हो चुका है, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन थे वो सारे अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ हम अपडेट पे जाएंगे और हम अपना करंट जो है वो देखेंगे पैकेज, तो ये देखें करंट प्लान हमारा ये है, ठीक है। तो अभी हमारा फुली जो है वो एक्टिव हो चुका है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी वीडियो की SEO कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट जब आपका एक मंथ के बाद जो है वो ये एक्सपायर होगा तो आपको और भी प्रोमो कोड मिल जाएंगे, ठीक है, गूगल से, ठीक है। आप वो इंटर करके आप अपना जो है वो इसकी डेट आगे बढ़ा सकते हैं, सही है। आप अपने दूसरे जो है वो जीमेल यूज़ करके यही प्रोमो कोड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।